नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फ्रेंड्स डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 मई सन 2022, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावना है, शेयर बाज़ार के अंदर क्या हो सकता है। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए दिन मिश्रित रहने की संभावना है। 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये है पृथ्वी तत्व की राशियां। दिन आपके लिए शानदार रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन टाइमली मुनाफा जरूर वसूल कीजिएगा। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रही हैं। एक कदम आगे, एक कदम पीछे, करूं ना करूं, ऐसी असमंजस की स्थिति, डिलेमा की स्थिति रह सकती है। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं। दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। बड़े व्यावसायिक निर्णय लेने में एक बार पुनः सोच विचार करें, निर्णय एक बार पुनः जांच लें। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। गौरतलब है कि बाज़ारों के अंदर तेजी या मंदी, मेन मकसद होता है मुनाफा कमाना, और राशियां आपके को बहुत मदद करती है सही डिसीजन लेने में। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावना है। आपको याद होगा, हमने अपने पिछले एपिसोड्स के अंदर चना, सरसों, मसाला पैक में गवार, मसाला पैक में धनिया, जीरा, लाल मिर्च के ऊपर अग्रिम आकलन एवं विश्लेषण दिया था, जो अक्षरत सत्य साबित होता देखा गया। आज इंटरडे के अंदर संभवतः कपास खली के अंदर उतार चढ़ाव के साथ सकारात्मक रुख रहने की संभावना बनती है, जबकि महत्वपूर्ण एग्रो कमोडिटीज़ गवार सीड, जो जिसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कारोबारी एवं किसान बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं और बहुत क्लोजली इसको वॉच करते हैं, गवार सीड एवं गवार गम के अंदर आज उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट या इसमें गिरावट की संभावना आने के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट निचले स्तर के ऊपर गवार सीड पहुँच गया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा और वॉलीटिलिटी की संभावनाएँ कम हैं, इसका भी विशेष ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, कपास खली के अंदर निचले उतार चढ़ाव के बीच सकारात्मक रुख रहने की संभावना, गवार सीड और गवार गम के अंदर कुछ गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं, दोनों में टाइमली मुनाफा वसूल करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। अब स्टॉक मार्केट में क्या संभावना है। दोस्तों, फेड ने अपने रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की, उसका असर पूरे विश्व बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। भारतीय बाज़ार भी इससे अछूते नहीं हैं, लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और अच्छे स्टॉक्स बहुत मामूली और अच्छे आकर्षक लेवल्स के ऊपर उपलब्ध हैं। दोस्तों, ITC के ऊपर आज नज़र रख सकते हैं, साथ साथ कोल इंडिया के ऊपर भी आज नज़र रखी जा सकती है। ITC और कोल इंडिया तीसरा हमारा स्टॉक होगा जिसके ऊपर नज़र रखनी निवेश के लिए उचित रहेगी, वो है GMDC, जिसके बहुत शानदार रिजल्ट भी हैं। कोल इंडिया ने भी अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन में शानदार इजाफा किया है और सरकारी क्षेत्र की कोकिंग कोल की एक अच्छी कंपनी, और गौरतलब है कि आने वाले 1 से 2 महीने कोयले की ज़बरदस्त डिमांड न केवल ऊर्जा प्लांट यानी ऊर्जा संयंत्र, बिजली संयंत्र, अपितु इंडस्ट्री में रहने की संभावना है। इन सब को देखते हुए GMDC कोल इंडिया पे नज़र रखनी उचित रहेगी। तो दोस्तों, ये था शेयर बाज़ार का अपडेट। बुलियन यानी सोने चांदी के अंदर उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन सकती हैं, छोटे निवेशक इससे दूर रहे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, ये था 6 मई सन 2022 का बाज़ारों का आकलन। All the very best, good luck, happy trading.